इसराइल वालों ने मनाई अलग ही तरीके से होली। इसराइली राजदूत बोले, जितना मर्जी रंग लगाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भर दिया सभी को रंग से। तो दोस्तों देख लीजिए, विदेशी भी भारत की होली को होली की तरह खेलना अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता ही है, भारत के अंदर जब भी होली खेली जाती है तो सबसे पहले होली खेलने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा रंग नहीं लगाऊंगा, चलो रंग लगाऊंगा तो सबसे पहले तुम मुझे रंग लगाओ, मैं तुम्हें बाद में रंग लगाऊंगा। और फिर उसे एक मनाया जाता है, फिर उसे मैदान के अंदर लाया जाता है, और एक बार वो बंदा मैदान के अंदर आ जाए फिर तो भैया होली वालों ने जिस हिसाब से होली खेलनी है ना जाने उसके कहां कहां रंग लगा देंगे, वो तो बातें आपने देखी ही होंगी। लेकिन इसराइल के जो राजदूत हैं वो किस तरीके से भारत से कनेक्टेड हैं और होली के त्यौहार को वो किस तरीके से समझते हैं, इस वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों इसराइल के राजदूत सबसे पहले कहते हैं कि जितना मर्जी रंग मेरे ऊपर लगा दो, मैं किसी को रंग नहीं लगाऊंगा। अब ये बात सुनकर इसराइल की एम्बेसी की जो महिलाएं थी उन्होंने खूब जमकर रंग फेंका इसराइल के एम्बेसडर पर, और इसराइल के एम्बेसडर ने जब अपनी एक तस्वीर देखी, रंग लगा हुआ देखा अपनी ड्रेस पर, कि मैं तो यहाँ रंगीन हो गया हूँ और सामने वाले लोगों को रंग नहीं लगाया है, तो वो भागे भागे टेबल के पास जाते हैं और टेबल से रंग उठाकर उन महिलाओं के ऊपर फेंकते हैं और फिर कहते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। यही तो दोस्तों खूबसूरती है होली की, कि बेसिकली लोगों को पहले बुद्धू बनाया जाता है और फिर जमकर उनकी एक मरम्मत की जाती है रंग लगाकर, और बेसिकली इसी तरीके की एंजॉयमेंट होती है, और इसराइल के एम्बेसडर ने भी वो एंजॉयमेंट की है। अब आपके सामने दोस्तों इसराइल इन इंडिया का एक ट्विटर हैंडल है जिसके अंदर ये बातें बोली गई हैं, और फिर जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है बुरा ना मानो होली है, और ये इसराइल की एक डिप्लोमेट है जिनका नाम है माया कदोस, उन्होंने भी होली सेलिब्रेट की है, और इसराइल ने दिल खुश कर दिया है भारतीयों का कि वो भारत के त्यौहार के साथ जिस तरीके से घुल मिल जाते हैं वो अपने आप में ही एक काफ़ी अलग और यूनिक प्रेजेंस पेश करता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देश भी होली मनाते हैं, लेकिन इसराइल वालों की होली अलग ही होती है, इसराइल वालों की दिवाली भी अलग होती है, और बेसिकली भारत और इसराइल कनेक्टेड महसूस करते हैं जब दोनों देश एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हो या नहीं? नहीं हो तो ये वीडियो देखिए, सहमत हो जाओगे। Don't worry, there will be no revenge.